This is 3.9 upon 3. This is 3.6 upon 2.4. ये कट के क्या आ रहा है? और ये कट के 1.5. So both of these are not equal. So EF is not parallel to QR. So second and third part कर लोगे same way में. Now moving on to the third question. ABC आपको triangle given है in which LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. Prove करना है हमें that AM upon AB is equal to AN upon ND. इनके जो solutions है जो solutions नहीं है जो proofs है that I will send. अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, इनको समझ लो अच्छे से. हाँ जी बेटे, बाय चांस अगर आपको कभी देखना हुआ तो आपके पास होंगे. यहां से मुझे गिवन है LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD. प्रूव क्या करना है मुझे? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND. ये प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC. ABC में मुझे LM पैरेलल BC गिवन है, तो क्या यूज करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या रिजल्ट आएगा? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC. ये वाली साइड इसके पैरेलल है. पैरेलल के ऑपोजिट वर्टेक्स इज ए, तो ए से शुरू किया हमने. ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी. फर्स्ट वाला ट्राइंगल ओवर. नाउ सेकेंड वाला ट्राइंगल लेंगे. सेकेंड वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ये वाला ए डी सी. इसमें एल एन पैरेलल है, तो पैरेलल वाली साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स इज ए, तो क्या आएगा? ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी. नाउ यू कैन टेल, लेट दिस बी योर इक्वेशन वन, दिस बी योर इक्वेशन टू. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट कैन यू से? ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी. इनकी राइट हैंड साइड इक्वल थी. यूक्लिड्स एग्जाम लग गई कि अगर दो साइड्स एक थर्ड चीज के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगे. तो हमने ये शो कर दिया दैट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी. गॉट इट? क्लियर? इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. तो फिर प्लस वन कर देंगे, प्लस वन कर देंगे. ये चीज आ गई हमारे पास, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी. आपको जो प्रूव करना है उसमें फुल साइड है ए बी और ए डी. तो हम क्या करेंगे? देखो अब अगर मैं यहाँ पे प्लस वन करती हूँ, व्हाट आई विल हैव? मुझे ए एम अपॉन ए बी चाहिए. तो ए एम में अगर मैं वन प्लस कर दूंगी तो वो रिमूव हो जाएगा, एम बी रह जाएगा. तो वन ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्योंकि ए एम को हमने रिटेन करना है, एम बी को हमने रिप्लेस करना है ए बी से. तो हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल ले लिया. अब एडिंग वन टू बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा? एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम. और इधर क्या बन जाएगा? एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एन. अब इनको ऐड करो, एम बी प्लस ए एम दिस इज इक्वल टू ए बी. और राइट हैंड साइड एल सी प्लस ए एल दैट इज इक्वल टू ए सी. सो अगेन रेसिप्रोकल, सो यू हैव गॉट द आंसर. क्लियर? फुल साइड थी. कहाँ पे? हाँ वो भी ले सकते हो, यू कैन डू. क्योंकि अब आपका ऐसा आपने प्रूफ तो देना नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो कि ए एम अपॉन ए बी और इधर से ए एल अपॉन ए सी. दिया म्यूट योर सेल्फ, तरन म्यूट योर सेल्फ, बोथ ऑफ यू. दिया एंड तरन,
यहां से अगेन यहां पे भी क्या लोगे आप, क्या आएगा इधर, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, तो यहां से सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, चाहे वन वाले मेथड से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। अब क्योंकि आपके एमसीक्यूज हैं तो यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट मेथड ऑल्सो। बच्चे फर्स्ट टर्म ही है अभी, वो नाइन्थ और इलेवेंथ के लिए है सेकेंड टर्म, आपका भी फर्स्ट टर्म जब बोर्ड की तरफ से होगा ओवर तब ओवर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। चलो सेम इसी तरीके से है, कौन बताएगा? ये चीज पहले ही देख लेना कि फुल साइड के साथ रेशियो है या हाफ के साथ है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द रिजल्ट। हमें गिवन है डी ई पैरेलल ए सी, और दूसरा गिवन है डी एफ पैरेलल ए ई। चलिए अब प्रूफ क्या कर रहे हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं तो उनको लेके चलो, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के, तो ट्राइंगल कौन सा लेके चलोगे, ए बी सी। क्या आएगा यहाँ पे पैरेलल वाली साइड के अपोजिट बी है, तो व्हाट विल यू गेट, ए डी अपॉन ए सी है, ये इसके पैरेलल ऑपोजिट वर्टेक्स बी है, तो बी से शुरू करो, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू ई सी। फर्स्ट आ गया ये ट्राइंगल ए बी सी में, ए डी ई पैरेलल है बी सी ए सी के, तो ये रिजल्ट आ गया। अब सेकंड वाला लेके चलेंगे, सेकेंड वाले में मुझे गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो ट्राइंगल कौन सा लेके चलोगे, ये वाला, तो क्या आएगा, ए ई के अपोजिट वर्टेक्स इज अगेन बी, तो बी डी अपॉन इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस सेम, तो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल, हेंस द रिजल्ट। मेन आपने क्या करना है, देख लेना कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल गिवन है, वो वाला फुल ट्राइंगल ले लोगे एंड देन यू विल अप्लाई द टेल्स थ्योरम, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चले अगले पे, अक्टूबर लास्ट, कौन सा, ये स्पीड से हो जाएगा, तभी ऐसे करवा रही हूँ, सब हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अभी आप बताओगे कौन कौन सा ट्राइंगल बनेगा, पी क्यू आर, दिस इज डी ई एफ एंड दिस इज ओ। अब हमें गिवन है पहला डी ई पैरेलल ओ क्यू, दिस इज योर डी ई, दिस इज योर ओ क्यू, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इसके ऑपोजिट ये वर्टेक्स है तो पी ओ क्यू, सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू
क्या लें, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप ये क्लियर है। अब सेकेंड ट्राइंगल के लिए हमें क्या गिवन है, दैट डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, दिस इज योर डी एफ, दिस इज योर ओ आर, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, पी ओ आर, ये ट्राइंगल बन गया। सो इन ट्राइंगल पी ओ आर, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, क्या आएगा पी ओ आर में, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, तो ये वाली साइड इक्वल है तो बाकी वाली भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो पी ई, अब ये अगर मैं बीच में ये सब कुछ हटा दूं, तो अब वो क्या कह रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी एफ आर, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड आर प्रोपोर्शनल, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यही चीज आपको शो करनी, क्लियर है, कुछ मुश्किल इसमें, बस ये कंसेप्ट क्लैरिटी है अगर आपको, तो कुछ मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में आपका। उसके बाद हमें गिवन है इन द फिगर 6.21, इन द गिवन फिगर 6.21, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, देन ए सी इज पैरेलल टू दिस एंड बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, आपको शो करना है, क्या करें, सेम जैसे इसमें किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, पहला ट्राइंगल कौन सा लूं, पी ओ क्यू, कौन सी साइड किसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सा बन गया आपका, ये बन। अब इसमें पैरेलल साइड के अपोजिट वर्टेक्स इज ओ, तो क्या रेशियो लिखोगे, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू, क्लियर है, सेकेंड ट्राइंगल बताइए, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो ट्राइंगल कौन सा बना आपका, ये बना, क्या आएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू, अब ये और ये दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, हाँ जी। अब देखो ओ बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन विल बी द पैरेलल लाइन टू द थर्ड साइड, दैट इज ओ, द बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूव करनी है यूजिंग दिस, क्या करेंगे, यूजिंग दिस 6.21 वाली जो है, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम कौन सी थी,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसको यूज करते हुए मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है. मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? हाफ ऑफ द, हाँ क्या था उसमें? एक ट्रायंगल के दो साइड्स के, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते थे तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट क्या होती थी? दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. तो कैसे प्रूव करोगे? नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड ई इज, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. यू आर टू प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. मतलब हमें प्रूव करना है, हमें गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वी आर टू प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. गॉट इट? पैरेलल गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल बी सी. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. अब उसने क्या गिवन है हमें कि डी मिड पॉइंट है किसका? ए बी का. यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी बी. तो ए डी इक्वल टू डी बी यानी कि दिस विल बी इक्वल टू वन. दोनों सेम है, डिवाइड करोगे वन आ जाएगा. तो यहां से क्या आ गया? ए ई अपॉन ई सी. तो ये कब होगा? व्हेन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. हालांकि अब इस तरह के क्वेश्चंस रह नहीं गए हैं आने के लिए एमसीक्यू फॉर्म में, बट स्टिल आई हैव दिस. क्लियर है आपको? मिड थेल्स थ्योरम आपको पता है कि इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये रिजल्ट हमें पता है. इस रिजल्ट को यूज करके हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना था. तो हमने इस रिजल्ट को यूज किया. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में क्या होता था? डी मिड पॉइंट हमें गिवन होता था, ये लाइन हमें पैरेलल गिवन होती थी, और ई को हमने क्या प्रूव करना होता था कि ई जो है वो भी मिड पॉइंट है ए सी का. तो अब ये पैरेलल हमें गिवन था, रेशियो हमें बीपीटी से मिल गई. डी क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी दोनों सेम होंगे, दैट इज इक्वल टू वन. तो यहां से ये आ गया आपका ए ई इक्वल टू ई सी, यानी कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स यूज करके यू आर टू प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. सेम क्या करेंगे? बोलो. ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, मिड पॉइंट हमें गिवन है. ए ई इक्वल टू ई सी, क्या करें? क्या कहा उसने? यूजिंग थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 क्या है? दैट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. उसको यूज करके आपको शो करना है दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. देखो, ए डी इक्वल टू डी बी, ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमें गिवन है. अगर ए डी इक्वल टू डी बी गिवन है तो ए डी अपॉन डी बी क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू वन. सेम वे ए ई अपॉन ई सी क्या होगा? अब ये राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ गया? ए ई अपॉन ई सी के. और बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है? व्हेन द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन द लाइंस जो भी है वो पैरेलल हैं. तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी. मिड पॉइंट थ्योरम के मिड पॉइंट ही आपको गिवन थे, मिड पॉइंट डी और ई गिवन थे. तो ए डी इक्वल टू डी बी आ गया, ए ई इक्वल टू ई सी आ गया. जब हम इस डी बी और ई सी को इधर नीचे लेके आए, नीचे क्यों लाए हैं? क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, अगर ए ई अपॉन ई सी है देन डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी. और इसको यूज करके हमें ये चीज प्रूव करनी. तो हमने सबसे पहले क्या किया? इनको शो कर दिया कि ये इक्वल है. ये इक्वल कैसे शो हुए? ए डी और डी बी आपको इक्वल गिवन थे. डी क्योंकि मिड पॉइंट था ए बी का, ई मिड पॉइंट था ए सी का, तो ए ई और ई सी भी इक्वल हो गए. डी बी को आप इधर लेके आए नीचे, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू वन होगा. सेम वे में ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू वन होगा.
अब ये दोनों क्योंकि इक्वल टू वन है तो आपस में भी इक्वल होंगे, ये कंडीशन आ गई। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये कंडीशन क्या कहती है, दैट बीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ट्रेपीजियम है तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल बना लिया हमने, और इसने हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये आ गया डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। सो वी आर टू शो दैट ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। हाउ टू प्रूव, क्या करें, साइड्स का रेशियो है तो क्या करना पड़ेगा, कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या कंस्ट्रक्शन होगी, ओके ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू ए बी, अगर वो ए बी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली दैट विल बी पैरेलल टू डी सी ऑल्सो, तो मैंने मान लो ये एम ओ एक लाइन ले ली। नाउ चलो आप बताओ, आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगानी है, कैसे लगेगी, ट्रायंगल एडीसी में एमओ पैरेलल डीसी हो गई तो ये ट्रायंगल बन गई आपकी। अब लगाओ यहाँ पे बीपीटी, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाले के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो ए ओ और ओ सी का रिलेशन आ गया, अब मुझे और क्या चाहिए, बी ओ और ओ डी चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल लूंगी मैं बी ओ और ओ डी के लिए, ए बी डी, इसमें ये इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, डी एम अपॉन इज इक्वल टू अब यहाँ ए एम अपॉन एम डी है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, चलो आप क्या करें, ठीक है इनको इक्वल करके फिर चेंज करना पड़ेगा, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज करोगे जो आपका रिजल्ट पूछा हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट। Got this? अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक रह गया है तो इसी का कन्वर्स है तो यू विल डू इट योर से, कल डिस्कस करेंगे ना हुआ तो। सो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।